क्या है, क्यों ये जीवन जीना जरूरी माना जाता है और क्यों हमें जीना चाहिए, क्यों जिए, किसके लिए जिए, किस पर्पस के साथ जिए। डेली तो हम सभी भागते रहते हैं किसी न किसी टारगेट के पीछे, किसी न किसी काम के पीछे। हमारी खुद की ख्वाहिश क्या है, जीना जरूरी क्यों है, क्यों हमें पुश किया जाता है ये करो वो करो, क्यों इतनी सारी बाउंड्रीज हमारे सामने है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताऊंगी कि जीना क्यों जरूरी है और क्यों जीवन इतना अमूल्य माना जाता है। नमस्कार, शांति वेलनेस सेंटर से पूनम शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मेरे लिए तो है, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी से एक क्वेश्चन पूछा था, जो भी मेरे साथ उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं शांति वेलनेस ग्रुप में, मैंने सभी से एक सर्वे किया था, एक क्वेश्चन पूछा था कि आप क्यों जी रहे हैं। आप सभी मुझे अपने विचार बताइए कि आप जी क्यों रहे हैं, क्यों जीना चाहते हैं, क्या पर्पस है जीने के पीछे और क्यों आपको जीना है। तो सभी ने बहुत अच्छे अच्छे अपने विचार मेरे साथ शेयर किए थे, मुझे सभी के विचार बहुत पसंद भी आए और अच्छा भी लगा। मैं सबके तो शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, ज़्यादा हम लोग नहीं बता सकते हैं, बट मैं एक चीज़ आप सभी को बताना चाहती हूँ और मेरा क्वेश्चन आप सभी से भी है कि आप क्यों इस जीवन को जीना चाहते हैं और क्यों जी रहे हैं, क्या पर्पस है इस जीने के पीछे, क्या पर्पस है जो हम ये सांसें ले रहे हैं, जो डेली हम नियम से खाना खाते हैं, नियम से सारे हम टास्क करते हैं, सारे काम करते हैं, क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं। और अगर नहीं करेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे तो लोग बोलेंगे ये डिप्रेशन में है या फिर इसको कुछ हो गया है, इसको किसी को दिखाओ। और अगर हम अपने खुद के अंदर भी झांकेंगे या खुद के जीवन के, मतलब कि खुद के लाइफ स्टाइल को फॉलो करेंगे, किसी की भी नहीं सुनेंगे या फिर एक परिवार में सबके साथ मिलकर नहीं रहेंगे, तब भी लोग हमें चैन से जीने नहीं देंगे क्योंकि वो आपसे पूछेंगे ऐसी क्या बात है। तो आज आप सभी को मैं कुछ बातें जीवन के ऊपर बताना चाहती हूँ, लाइफ के ऊपर बताना चाहती हूँ। ये कोई मोटिवेशनल एक टॉक नहीं है, बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब मैंने इसके पीछे सर्वे किया, जीवन के जीने के पीछे कि लाइफ क्या है, ज़िंदगी को क्यों इतना अमूल्य माना जाता है, क्यों सभी जीना चाहते हैं, और जबकि सत्य निश्चित है कि मरना एक ना एक दिन ज़रूर है, यानी कि मौत निश्चित है, फिर भी हम सभी जीना चाहते हैं, भाग रहे हैं, अपनों के साथ जुड़े रहते हैं, उनकी खुशियों को पूरा करते रहते हैं और अपनी खुशियां कभी कभी हम दबा देते हैं। कुछ ऐसे हालात होते हैं, कभी कभी हम ऐसे एटमॉस्फेयर में बैठे होते हैं कि जहाँ पे ना हमारा मन नहीं करता, बट हमें बैठना पड़ता है, फेक स्माइल दिखानी पड़ती है और पार्टिसिपेट करना पड़ता है उस माहौल के अंदर। तो मैं आप सभी से यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप सभी क्यों जी रहे हैं, आपका क्या नज़रिया है जीवन के पीछे, और आप सभी मेरे साथ अपने अनुभव ज़रूर शेयर करना कि ज़िंदगी को क्यों इतना इम्पॉर्टेंट माना जाता है। आज मैं आपको बताऊँगी एक बहुत ही अच्छा, जो जीवन के ऊपर एक सार मैंने किसी का पढ़ा, जो मेरे ग्रुप में जिन्होंने शेयर किया, रविंद्र पटनायक जी, बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है, बिहार से हैं ये, इन्होंने इतना अच्छा लिखा है, इतना गजब लिखा है, मैं क्या बताऊँ आपको। ज़िंदगी का सार इन्होंने ना एक टुकड़ों में ऐसे बांट दिया। कहते हैं कि जीवन एक आकस्मिक सत्य है, आकस्मिक सत्य मतलब कि हमें जीना चाहिए, हर बंधनों के साथ जीना चाहिए और चैलेंज के साथ जीना चाहिए, इन सांसों के साथ लड़ना चाहिए, जीने के लिए हर संघर्ष को करना चाहिए। आपने देखा होगा भागते हैं लोग सभी के पीछे, डॉक्टरों के पीछे और किसी के भी पीछे, मतलब कि कोई भी किसी को बता दे कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है या फिर आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, हर इंसान भागेगा, ज़रूर भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि उसको अपने लिए कुछ अच्छा करना होता है, और अगर अपने लिए हम अच्छा नहीं करेंगे तो शायद कुछ लाइफ में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे सभी कहते हैं कि शादी ज़रूरी होती है, अकेले जीवन काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो एक लॉजिक इसके पीछे है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि सभी कहते हैं कि शादी करना चाहिए, शादी के बंधन में ज़रूर बंधना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को ज़रूर समझना चाहिए, उसके पीछे भी बहुत से लॉजिक छुपे हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगी। बट आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब हर चीज़ें करनी ज़रूरी हैं
तो ये जीना भी जरूरी माना जाता है। श्री कृष्ण जी ने सारा सत्य महाभारत में बोला हुआ है कि मृत्यु अटल है जिसको नहीं टाला जा सकता, लेकिन जन्म भी अटल है। जन्म और मृत्यु का जो एक ये सफर है वो चलता ही रहता है, आते हैं और जाते हैं, सबसे जुड़ते भी हैं। किसी को खोने में इतना डर लगता है कि जब उस सत्य से हम उजागर होते हैं कि कोई हमारा अपना जा रहा है तो हम भी बहुत टूट जाते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि अपने आप को हम भी ख़त्म कर लें, नष्ट कर लें अपने आप को, क्यों ये जीवन जिए जब हमारा अपना यानी कि हमारे माता पिता, हमारे जो अपने हमसे जुड़े हुए होते हैं वो चले गए, किसके लिए हम जी रहे हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, लोग सोचते हैं कि क्या करना है इस प्रॉपर्टी का, किसके लिए हमारी ये प्रॉपर्टी हम जोड़ रहे हैं जब हमारे पास वो हमारे अपने ही नहीं है। तो देखिए बहुत सी ऐसी बात होती है जो हमें कभी कभी ऐसी फीलिंग्स हमारे अंदर आती है कि हमें नहीं जीना चाहिए। मैं ये उस पर्पज़ पे आज आपको बताऊंगी कि जब मैं अपने काउंसलिंग के सेशन में ये क्वेश्चंस को डील करती हूँ। जी हाँ, ये क्वेश्चंस मेरे सामने बहुत आता है कि मैं नहीं जीना चाहता हूँ, मुझे जीने का बिल्कुल मन नहीं करता, मुझे अपनों के साथ बैठने का मन नहीं करता, मैं क्यों इस जीवन को जीऊँ, मैंने बहुत कमा लिया, सब कुछ कर लिया, इतना मेरे पास पैसा है लेकिन मैं खुश नहीं। यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मैं यानी कि मैं खुश नहीं हूँ, अपनों के साथ भी खुश नहीं हूँ, वो अपने जो मेरे साथ हैं, जो दिन रात मेरे साथ रहते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मुझे देखते हैं, मेरी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। उस खुशी के पीछे जो मैं क्वेश्चन मार्क को ढूंढती हूँ अपने काउंसलिंग के सेशन के दौरान, तो तभी मैंने ये क्वेश्चन चूज़ किया कि मुझे सबकी एक राय चाहिए, एक थॉट चाहिए, सबका विचार चाहिए कि जीवन क्यों जीना है। तो आज मैं अपने सभी उन फॉलोअर्स को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अपने उन सभी ग्रुप के मेंबर्स को मैं यही बताऊंगी कि जीवन ज़रूर जिए और बहुत ही खुशी के साथ जिए। हर दिन चैलेंज होता है, सुबह होती है तो समझ जाना चाहिए कि ये दिन तो आज ख़त्म हो गया, क्योंकि अगर हमने रात काट ली तो हमने एक दिन आगे, हम एक एक सीढ़ी को आगे क्रॉस करते रहते हैं। बहुत चैलेंज होता है, अपनों के साथ हर खुशी के साथ जिए, पास्ट पे मत जाइए, मतलब कि अपने पीछे मत जाइए कि क्या है, क्या लिखा है, क्या इतिहास कहता है या फिर क्या ऐसा हुआ था। कुछ नहीं सोचना आपने, जो प्रेजेंट लाइफ है, जो अभी चल रहा है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, उसी सत्य को आपने पकड़ कर रखना है और उसी के साथ एक फ्लो में आपने जीवन को जीना है। जीवन एक ऐसा सार है जो हमें सब कुछ देता है। जब ये जीवन हमें मिला है तो इसे क्यों ख़त्म करें, क्यों ऐसे थॉट, ऐसे नेगेटिव थॉट अपने अंदर लाएं कि मुझे नहीं जीना चाहिए, मैं अपनों के साथ नहीं जीना चाहता या मैं खुश नहीं हूँ। क्यों नेगेटिव थॉट्स को हम पालें, उनको हम और फूड देते हैं, उनको खाना देते हैं कि और हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर घर बनाइए। ऐसे विचारों को ना बिल्कुल अपने माइंड से इरेज कर दीजिए और फोकस कीजिए अपने इनर सेल्फ पे, अपने इंट्यूशन पे फोकस कीजिए, अपने जो अंदर अंतर अंतर आत्मा की जो बात होती है उसको सुनिए कि वो आपसे क्या कह रही है। क्योंकि हर पथ को ना एक गाइडेंस ज़रूर मिलती है, कभी कोई ऐसा ज़रूर मिलता है जीवन में जो आपको एक रास्ता दिखाता है। उसकी बातों को पकड़िए, उसके मार्गदर्शन को फॉलो कीजिए, आप तब देखिए कि ज़िंदगी आपको कितनी खूबसूरत लगेगी। 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है जो बहुत ही अमूल्य होता है, जिसे कहते हैं कि बहुत ही एक अतुल्य माना जाता है। मनुष्य जीवन को बहुत ही वरदान माना जाता है। कहते हैं कि हम चाहे कुछ भी कर लें, अगर हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया तो समझ लो कि हमारे सारे जो पहले के जो कष्ट थे, जो चले आ रहे थे, जो हम एक एक के बाद एक जन्म लेते आते हैं, क्योंकि हमने ना बहुत कुछ ऐसे काम किए होते हैं जिनको हमें भुगतना ही पड़ता है, अपने कर्मों के हिसाब से हमें उस चीज़ को भुगतना पड़ता है। आप अच्छे काम तो कर रहे हैं, आप नेकी का काम भी कर रहे हैं, आप दान पुण्य का काम भी करते हैं, आप सबका अच्छा भी सोचते हैं, लेकिन फिर भी हर कष्ट, हर रास्ते में आपको रुकावटें आती हैं, आपके सामने इतने सारे दुखों का पहाड़ टूटता रहता है। तो आप कभी कभी अपने मन में ये सोच जरूर लाते हैं कि मैं क्यों ये सब करता हूँ। फिर
अगर मैं ये सब करता रहता हूँ, मैं सबका अच्छा सोचता रहता हूँ या इतना दान पुण्य का काम करता हूँ, तो भी मेरे साथ इतने क्यों रुकावटें आती हैं, क्यों भगवान मेरे साथ इतने संघर्ष लेके आता है, क्या मैंने ऐसा किया है? ऐसे विचार जब भी आते हैं तो आप समझ जाइए कि ये जिंदगी आपसे आपका टेस्ट ले रही है, और टेस्ट भी ना बहुत ही कम लोगों का लिया जाता है। सबको चैलेंजेस रास्तों में नहीं मिलते हैं, सब वही अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वही रूटीन के साथ जी रहे हैं, और संघर्ष भी वही कर पाता है जो संघर्ष करने का सक्षम रखता है। तो मत लाइए कोई भी नेगेटिव थॉट अपने अंदर, और इस ज़िंदगी को खुल के जिए। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और बहुत ही अमूल्य है। जीवन बार बार नहीं मिलता, ये मैं बचपन से तो सुनती ही आ रही हूँ, बट जीना ज़रूर चाहिए। खुशी से जिए, अपनों के साथ उन पलों के साथ इन्जॉय करके जिए। खाने को खाते हुए भी उस खाने को इन्जॉय आपने करना है कि ये खाना मुझे मिल रहा है तो इसमें कुछ बात है। अपने अंदर अफर्मेशन तो देनी ही देनी है। अपने आसपास जो भी आप जिनके साथ खाना खाते हैं उनको, उनके लिए भी एक अच्छे विचार के साथ अपने समय को आपने व्यतीत करना है। तो ज़रूर जीना है। जीवन में कभी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना कि क्यों जीना है, किसके लिए जीना है, खुद के लिए जीना है। आपने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में, खुद के लिए जिए। कोई बंधनों के साथ नहीं जीना आपने। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबके साथ है, सबको मिलती है, और सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ही फॉलो करते हैं। क्यों भागना है? भागना नहीं है किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, लेकिन हाँ, जीना सिर्फ खुद के लिए है, किसी और के लिए नहीं। कहते हैं कि ये सांसें ना हमारी खुद की हैं, इन्हें हम खुद लेते हैं, कोई और नहीं लेता। आप खाना खुद खाते हैं, आपका खाना कोई और नहीं खाता। ऐसा नहीं कि कोई और खाना खाएगा तो आपका पेट भर जाएगा। ठीक है, माना जाता है कुछ कुछ चीज़ों में कि हमारा अपना अगर हमारे लिए कुछ करता है तो हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अगर हम प्रैक्टिकली सोचते हैं तो ज़िंदगी वैसे ही चलती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने अनुभव जीवन के बारे में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि आपके नज़रिए से ज़िंदगी जीने का क्या एक तरीका होना चाहिए, और क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि जीवन को हम बहुत ही आसानी से जिए। तो ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।